यहाँ का मेन्यू आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये हनी हनी विद वैक्स मिनी पिज़्ज़ा एग स्टिक अरेबिक फूल स्क्रैम्बल्ड एग baked beans, grilled chicken sausage, hash browns, pancakes. ये पता नहीं क्या है फर्स्ट डे सेकंड डे मतलब फर्स्ट ब्रेकफास्ट का तो आज ये मेन्यू है तो हम कुछ लेते हैं। ये हमने नाश्ता ले लिया और बस अब ये नाश्ता करेंगे फिर रेडी होके कहीं निकलते हैं या ऊपर पूल पे जाते हैं तो देखते हैं पहले नाश्ता कर लेते हैं। साइट पे पूल देखते हैं क्या माहौल है, मूड होगा तो फिर पूल में भी चले जाएंगे अभी और वरना फिर निकल जाएंगे दुबई में आवारा गर्दी करने। इन्होंने स्नूकर टेबल रखा हुआ है, ये जिम से आया ये हम आगे पूल साइड पे छोटा सा ये किड्स पूल, ये इधर भी किड्स पूल है तो बेंचेस लगी हुई हैं सन बाथ लेने के लिए। अभी तो भाई कड़क धूप है, इस धूप में तो मैं नहा नहीं सकता। हेलो, अभी हम जा रहे हैं डेरा इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी है, वैसे तो कहीं से भी हो सकती है, वहाँ पे भाई का जानने वाला है तो भाई उसी से करवाते हैं। हाँ तो जी मैं आ गया हूँ डेरा बनियास स्क्वायर, बस मैं अभी करेंसी वाले के अंदर जा रहा हूँ। जी तो मैंने करेंसी एक्सचेंज करा ली, जिडानो ले ली और अब जा रहा हूँ एमिरेट्स मॉल की तरफ और शूज़ लेने के लिए। हाँ तो सॉरी, वो मुझे जो काम निपटाना था आज, मैंने आपको बोला था मैं एमिरेट्स मॉल जाऊँगा और वहाँ से पहले शूज़ लूँगा फिर काम निपटाऊँगा, तो मैंने पहले काम निपटा लिया, मीटिंग कर ली और एमिरेट्स मॉल अब आया हूँ और भाई ने शूज़ भी ले लिए एडिडास पे आके, ये देखो ले लिए और अब आपको दिखाता हूँ कौन से शूज़ लिए फुटबॉल के, ना तो जो फुटबॉल के शौकीन होंगे उनको पता चल जाएगा मैंने कौन से लिए। ये न्यू अराइवल वर्ल्ड कप का, ये वाइट वाले कलर में भी था और ये ब्लू वाले में भी था, तो आपके भाई ने ये ब्लू वाले लिए, ब्लू वाले भाई को ज़्यादा अच्छे लग रहे। तो अभी बस शूज़ ले लिए और अब हम कुछ खाएँगे फूड कोर्ट पे जाके, ना भाई क्या खाएगा, चलो गेस करो भाई क्या खाने वाला आज। भाई खाने वाला है अल्बेक, भाई का फेवरेट। नॉर्मली मैं जंक फूड नहीं खाता, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, लेकिन अल्बेक भाई की कमज़ोरी है, ये मेरा अल्बेक साथ ले लिया और अभी मैं होटल जा रहा हूँ, फिर आपको ये अल्बेक दिखाते हैं। उसकी दो भाई
इसकी जिस इसने करा है उसको पता है कि कितना बड़ा है अंदर अंदर लिफ्ट। देखो केवल ये चेयर लिफ्ट भी चलती हैं, बहुत बड़ा है ये अंदर, तो जिसने किया है उसको आइडिया होगा। अच्छा इसके अंदर ये लोग इन्होंने पेंगुइन्स भी रखे हुए हैं, रियल पेंगुइन्स। पेंगुइन्स का ये सीन होता है कि ये दिन में 2 से 3 मरतबा लेके आते हैं पेंगुइन्स को, और कुछ 45 मिनट्स के लिए या 30 मिनट्स के लिए लाते हैं, इसके बाद वो उसको और लो टेम्परेचर के अंदर ले जाते हैं। मुझे कॉफ़ी लेनी है, काफ़ी टाइम हो गया कॉफ़ी नहीं पी, तो कॉफ़ी लेते हैं। अच्छा मैं अभी आया था यहाँ पे इन हॉटन्स पे कोल्ड कॉफ़ी लेने के लिए, फ्रेंच वनीला। इसकी फ्रेंच वनीला बहुत मशहूर है वर्ल्ड वाइड ना, बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इन्होंने एक नया शेक इंट्रोड्यूस किया है, लोटस शेक ना, मुझे इन्होंने रिकमेंड किया कि आप वैसे वो पीते रहते हो तो आप ये लो, ये एक अलग चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैंने बोला चलो ये ले लेते हैं। अभी मैंने ये शेक लिया है तो ये मैं ट्राई करूँगा और आपको बताऊँगा कैसा है। हाँ तो जी हम आ गए हैं अपने रूम पे, और ये एलबेक है। अब मैं इसमें क्या बताऊँ, क्या रिव्यू दूँ इसका भाई, एलबेक को कोई रिव्यू देने की ज़रूरत है? बस ये सुन लो कि इसके जैसा फास्ट फूड है ना दुनिया में कहीं नहीं मिलता होगा। अलबेक अलबेक है बेस्ट इन द वर्ल्ड भाई, यही इसका रिव्यू है। किसी से भी पूछो ना वो यही बोलेगा। हाँ ये चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि सऊदीया वाला और इस दुबई वाले में टेस्ट का फ़र्क है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके लिए भी मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, खाए हुए भाई ने और अलबेक के वैसे ही भाई शौकीन है। तो हाँ तो ये जो टेस्ट है ना इनका ऑलमोस्ट सेम है, मतलब हर ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं ना जैसे चिकन नगेट्स और ब्रोस्ट, उसमें बिल्कुल मामूली सा 19-20 भी नहीं बोलो उससे भी कम का बस डिफरेंस है स्पाइस के अंदर, बाकी क्वालिटी वगैरह हर चीज़ वही है सेम। और ये जो कॉफ़ी ली है भाई ने इसका आपको रिव्यू देते हैं, उसने रिकमेंड किया था कॉफ़ी, देखते हैं कॉफ़ी नहीं है सॉरी, मैं कॉफ़ी लेने के लिए गया था फ्रेंच वेनीला, और इसने मुझे बोला कि ये ले लो, और वो जो भी आ रहा था ना उनको यही बोल रहे थे कि ये लो, जो कोल्ड कॉफ़ी मांगता था उनको बोलते थे ये लो, ये शेक है कॉफ़ी नहीं है, लोटस। ओए होए 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 मज़ा आ गया यार, वाकई में मैं समझ गया था कि ये 27 दिरहम का था, और वैसे नॉर्मली कॉफ़ी जो है ना 18-19 दिरहम की मिलती है, तो मेरे शायद पैसे ज़्यादा होंगे तो ये, लेकिन वाकई में कोई अलग ही चीज़ है। ये इसके 30 दिरहम भी मांगे ना मैं दूँ, क्या ज़बरदस्त है यार। आउट क्लास, ये मेरा दिल कर रहा है कि मैं रोज़ पीऊँ, खाना वाना छोड़ूँ, एक टाइम खाऊँ और बाकी एक टाइम ये पीऊँ शेक। बस अभी हम ये खा लेते हैं फिर उसका आपका ऊपर का देते हैं कि आज क्या ऊपर माहौल है, तो आज ऊपर के कैफ़े का एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है? तो भाई खा लें फिर देर चलते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको यहाँ का एनवायरनमेंट दिखाऊँगा कि यहाँ जो कैफ़े बना हुआ है क्या माहौल है, तो अभी तो फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहे हैं तो यहाँ पे लोग देख रहे हैं और शीशा पी रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बाहर जो बैठे हैं वो देखो मैच चल रहा है, और उसके पीछे भी एक जगह है वो फ्लोट शूटिंग वाली है। बस ये मैंने आपको बोला था विज़िट कराऊंगा तो विज़िट करा दिया, अब मैं जा रहा हूँ रूम में, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे आज पूरा दिन घुमाऊँ। ये जिम भी दिखा दिया था सुबह, ये स्नूकर टेबल, अब जो है ना रूम में जा रहा हूँ मैं, अब फिर मिलते हैं कल, कल मुझे फ्यूचर म्यूज़ियम जाना है तो कल की वीडियो में आपको इंशाल्लाह फ्यूचर म्यूज़ियम दिखाऊँगा। और भाई को इजाज़त दो, खूब भाई को सपोर्ट करो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को बताओ, और प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, और
आप एक काम बिल्कुल ना भूलना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।